जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली दफा वैभव गहलोत जोधपुर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर वैभव गहलोत का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत करने उमड़ी भीड़ का आलम यह था कि खुद वैभव गहलोत कई बार भीड़ में फंस गए। रेलवे स्टेशन से बाहर आने में करीब एक घंटे का वक्त लगा। वैभव गहलोत के स्वागत के लिए पत्नी हिमांशी अपनी पुत्री के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद पहली बार वैभव गहलोत जोधपुर पहुंचे, जहां वैभव गहलोत का जोरदार स्वागत हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत जैसे ही जयपुर इंटरसिटी से जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, तो कांग्रेस नेताओं ने वैभव गहलोत, अशोक गहलोत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सचिन पायलट और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाकर पूरे रेलवे स्टेशन को गुंजायमान कर दिया। वैभव गहलोत के साथ जयपुर से जोधपुर और पाली के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया के अलावा वैभव गहलोत के सारथी माने जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़, उप मुख्य सचेतक महेंद्र सिंह और स्टेट तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास भी जोधपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर वैभव गहलोत के अभिनंदन के लिए उमड़ी कांग्रेसजनों की भीड़ में हर कोई वैभव को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत करते हुए बधाइयां दे रहा था, तो वहीं वैभव गहलोत भी हर एक कांग्रेसजन का कभी आंखों के इशारे से, कभी शब्दों से, कभी हाथ जोड़कर बधाई स्वीकार करने के साथ आभार जताते नजर आ रहे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ जन क्या, युवा क्या, या फिर कांग्रेस के पदाधिकारी हो या विधायक, हर कोई वैभव गहलोत से जिस आत्मीयता से मिल रहे थे, उसे वैभव गहलोत का आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ने के साथ चेहरे पर खुशी भी दिखी। वैभव गहलोत का स्वागत करने के लिए पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, पूर्व जेडीए चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी, शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सईद अंसारी, देहात कांग्रेस अध्यक्ष और बिलाड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल, शहर विधायक मनीषा पवार, लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई, लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई, शेरगढ़ विधायक मीना कंवर, कांग्रेस नेता रमेश बुराना, सुनील परिहार, नारायण राम बेड़ा, पवन मेहता, सुपारस भंडारी, अयूब खान, महेश व्यास और छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन आकर रुकी, तो बाहर की भीड़ का नजारा देखकर वैभव गहलोत ने पहले यात्रियों को निकलने का समय दिया। उसके बाद जब सब यात्री निकल गए, तब खुद बाहर आए। बाहर निकलते ही जिस उत्साह से उनका स्वागत हुआ, वो ऐतिहासिक था। वैभव गहलोत के स्वागत में किसी जमाने में पूर्व नरेश गत सिंह और पहली बार सीएम बनकर जोधपुर आए अशोक गहलोत के हुए स्वागत की यादें ताजा होती नजर आई। जोधपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर आने तक वैभव गहलोत को माला पहनाने का सिलसिला जारी रहा, तो वहीं वैभव गहलोत का वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन मेहता और अन्य नेताओं ने शांति भवन में अभिनंदन किया, जहां सालों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनाव के वक्त एक अलग नाता रहा है। कभी गहलोत का चुनावी कार्यालय भी शांति भवन रहा है। शांति भवन से वैभव गहलोत पैदल ही कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से आशीर्वाद लेने के साथ सभी को एकजुटता से चुनाव प्रचार में और अधिक मुस्तैदी से जुटने का आह्वान किया। कांग्रेस कार्यालय में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सईद अंसारी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। सभी कांग्रेस जनों के साथ बैठकर चुनाव जीतने को लेकर फीडबैक भी लिया। मीडिया से बातचीत में वैभव गहलोत ने साफ किया कि कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास जताते हुए प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर घर घर जाकर वोट मांगूंगा और जीत हासिल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पधारे तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, माताओं बहनों का, बच्चों का, युवा साथियों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इस स्वागत, और मैं इस अभिभूत हूँ इस स्वागत से, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गदगद हूँ और मैं पूरा मानता हूँ कि आने वाले चुनाव में कार्यकर्ता पूरी मेहनत से काम करेंगे और निश्चित तौर पर हम विजयी होंगे। बहुत बड़ी चुनौती है और मैं उस चुनौती को पूरा करूँगा, और मेरा सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद और कांग्रेस पार्टी ने, आलाकमान ने जो मुझे मौका दिया है जोधपुर से, ये तमाम इन जोधपुर वासियों का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने मुझे ये मौका दिया है। कांग्रेस कार्यालय से वैभव गहलोत रातानाड़ा गणेश मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर भगवान गणेश का आशीर्वाद भी लिया। यहीं से चुनावी जनसंपर्क का आगाज भी किया। गणेश मंदिर के बाद बरकत साहब के मजार पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में नई सड़क स्थित राजीव गांधी की मूर्ति पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान वैभव गहलोत के साथ प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश बुराना, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सईद अंसारी, शहर विधायक मनीषा पवार, पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीज और राहुल पारासर सहित कई कांग्रेस नेता रहे। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।